मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ उतरेगी, इसके संकेत आज झांसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान दे दिए हैं। आपको बताते चलें कि आज जनपद झांसी के एक होटल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में एकजुटता दिखाते हुए मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए 22 बाइसिकल का नारा दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य के दौरान उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि योगी सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है तथा उनकी सरकार में क्रियान्वित योजनाओं को दरकिनार किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूर्व में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए बुंदेलखंड में गैर खेती योग और बंजर जमीन मुहैया कराई है। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट में ग्रीन वेल्ट के रूप में 1,000 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित किया था। बुंदेलखंड में तिल उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में नई ITI और नौकरी मेला झांसी का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड में 1589 सरकारी ट्यूबवेल स्थापित किए। बुंदेलखंड राहत पैकेज के तहत सूखे से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद देने का कार्य किया गया। बुंदेलखंड में नहर द्वारा 6.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तथा राजकीय नलकूपों, टैंकों, बोरवेल के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुलभ कराई गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7,300 किलोमीटर नहरें बनाई गईं। चित्रकूट के लगभग 60 से अधिक गांवों में संपर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, आंतरिक गलियों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल, प्राइमरी पाठशाला का निर्माण, उच्च प्राइमरी पाठशाला, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, वैकल्पिक मार्ग, विकास व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इंदिरा आवास, लोहिया आवास, मनरेगा, विकलांग पेंशन, समाजवादी पेंशन, कृषि भूमि आवंटन हेतु सुधार कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड आदि कराए गए। चित्रकूट में देवल सेतु, साईपुर सेतु, कहेता माफी सेतु, लोहेदा सेतु, खर्चा बरेठी सेतु का निर्माण कराया गया। चित्रकूट के सीतापुर में सीवर प्लांट, चित्रकूट में राजघाट का सौंदर्यकरण जैसे तमाम कार्य कराए गए, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके किए हुए कामों पर पानी फेरने के अलावा और कुछ नहीं किया है। साथ ही वर्तमान सरकार में जनता के साथ भी आया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व दीप नारायण सिंह यादव, पूर्व MLC श्याम सुंदर सिंह, RP नरंजन, समाजवादी पार्टी के झांसी जिला अध्यक्ष महेश कश्यप, संत सिंह सेरसा, तिलक चंद्र अहिरवार, अस्फान सिद्दीकी, असलम शेख, बिशन सिंह यादव आदि समेत समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से नीरज प्रजापति के साथ आकाश यादव की रिपोर्ट। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटना हुई। एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं करना। इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी माँ या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो लोग
ये सपना दिखा रहे थे। सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, जो उन्हें काम करना चाहिए उन कामों को छोड़ करके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।